प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के मल्हार मॉल में रविवार को गेम जोन में गेम खेलने की बात पर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि शालीमार टाउनशिप में रहने वाले दंपत्ति के साथ पुलिसकर्मी और उसके साथियों ने मारपीट शुरू कर दी। वहां खड़े बाउंसर ने बीच बचाव कर उन्हें बचाया। देखिए ये खास रिपोर्ट। पीड़ित अवनीश जैन ने बताया कि बहन कामिनी जैन और सचिन जैन अपनी 2 साल की बेटी अमूरा के साथ गेम जोन में बैठकर गेम खेलने का इंतजार कर रहे थे। काफी देर तक नंबर नहीं आया तो मैनेजमेंट से कुछ लोग आए और उन्होंने वहां काफी देर से खेल रहे बच्चों को हटने के लिए कहा। इतने में पीछे से कुछ लोग आए और कहने लगे, किसकी हिम्मत जो यहां से हमारे बच्चे को हटा दे। इसके बाद पीड़ित महिला से बहस करने लगे। इस बीच पीछे खड़ा सचिन भी वहां आया और इसके बाद पुलिसकर्मी अन्य साथियों के साथ मिलकर दोनों के साथ जमकर मारपीट शुरू कर दी। बता दें कि कामिनी बैंक में कार्यरत है और सचिन आईटी कंपनी में काम करते हैं। घटना शाम करीब 7 बजे की है। पुलिसकर्मी भूपेंद्र परिहार मल्हारगंज एसीपी कार्यालय में पदस्थ हैं। वहीं पूरी घटना मॉल में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। क्या घटना क्रम हुआ था, क्या विवाद हुआ? हम लोग मल्हार मॉल में गए थे फन जोन में, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी 2 साल की। तो जो एक बच्चों का बॉल्स वाला सेगमेंट होता है जिसमें कि बॉल्स में बच्चे कूदते हैं, उस सेगमेंट पे 2 लोग पार्टी ऑलरेडी खड़े हुए थे और बच्चे तो छोटे होते हैं तो उनको सब्र होता नहीं है। तो जो वहाँ की अटेंडर थी उसने कहा कि आप रुक जाओ क्योंकि ये जो 2 लोग हैं बाहर आएंगे तब आपकी बेटी अंदर जाएगी। तो हम लोग 15 मिनट करीब खड़े रहे। अब बच्ची बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रही थी, उसे जाना ज़रूरी था क्योंकि वो रुकना नहीं चाह रही थी। तो मैंने वो जो बार बार उन लोगों की जो भी बहस चल रही थी उसमें मैंने उस लड़की को ये बोला, मैंने कहा आप एक काम करो, इनको इनकी जो भी बातचीत हो रही है वो वहाँ जाकर बात कर ले रिसेप्शन पे या मैनेजर से, लड़ाई जो भी झगड़ा हो रहा है, क्योंकि वो बाहर नहीं आ रही थी उसकी बच्ची। तो उनके साथ करीब 4 लड़के और 3 औरतें थीं, मतलब एक लेडी, एक उनकी शायद सिस्टर विस्टर, मुझे नहीं मालूम कौन कौन थे। और 4 लोग लड़के थे, उन्होंने हस्बैंड को और मेरे को 2 लोगों ने मारा और जो लड़कियां थी उन्होंने भी मारा। और वो लात घूसे सब मार रहे थे, सब जगह मार रहे थे। वो ये नहीं देख रहे थे कि कहाँ है क्या है, हम आप करके बात कर रहे थे। और हम ये भी बोल रहे थे कि आप अनएजुकेटेड लोग हो, इस तरह से हरकत कर रहे हो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ये सारा सीक्वेंस कम से कम नहीं तो आधे घंटे चलता रहा। कौन लोग थे, नाम तो मुझे नहीं मालूम है कि कौन थे, वो भी वहाँ पर अपनी बच्चियों के साथ आए थे। एक पुलिसकर्मी था, वो बाद में हमें, जब हम थाने में FIR कराने के लिए आए तब हमें पता चला कि वो पुलिस वाला था, उसी ने सबसे ज़्यादा मारा। उसने मुझे यहाँ मारा है चेस्ट पे, यहाँ गले में, ये यहाँ साइड में, भूपेंद्र बोल रहे हैं शायद से, कहाँ पर वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो पुलिस वाला है कोई छोटे जूनियर लेवल पे, कौन सा लेवल है मुझे ये भी नहीं मालूम। हमें ये बाद में पता चला उसी आदमी ने सबसे ज़्यादा मारा। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पुलिस, ये आज 7:30 से 8 बजे के बीच की। आई थिंक मेरी वाइफ वहाँ बच्चे को खिलाने के लिए जा रही थी बॉल्स के लिए, और फिर आई थिंक जितना मुझे मालूम पड़ा, क्योंकि मैं तो दूर खड़ा हुआ था, तो जो वो बंदे थे, मतलब जो 3-4 बंदे थे, आई थिंक एक हाथ पहले तो एक हाथ बंदा खड़ा हुआ था, फिर उसके बाद उनकी शायद वाइफ होंगी, सिस्टर होंगी, मेरे को नहीं मालूम, वो भी वहाँ खड़ी हुई थी और उनका बच्चा अंदर शायद खेल रहा था बॉल जोन में। तो वाइफ ने बोला और वहाँ के जो गेम जोन के स्टाफ है उन्होंने भी बोला कि आपका टाइम हो गया है, तो आई थिंक आप कि अपनी बच्ची को निकाल लीजिए बाहर। तो उन्होंने उनको भी मना कर दिया कि आपको निकालना है, हम तो नहीं निकालेंगे, आपको निकालना है तो निकाल लीजिए। तो थोड़ा सा उन्होंने उनसे भी रूडली बात किया, फिर मेरी वाइफ ने बोला कि आपको जो भी करना है, क्योंकि मेरी बच्ची भी रुकी है, मेरी डॉटर जो है वो आई थिंक रुक नहीं रही थी। तो उन्होंने बोला कि, मतलब मेरी वाइफ ने बोला कि आई थिंक आप जाके रिसेप्शन पे बात कर लीजिए, आपको जो भी करना है। तो उनको लगा कि कुछ बुरा बोला है, तो वो थोड़ा चिल्लाने लग गए, फिर उनको दूर दूर से जोर जोर से चिल्लाने लग गए कि हमारी जो भी मर्जी है, मतलब मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो मैं को दूर से देखा कि यार लाइक इसके ऊपर चिल्ला रहे हैं, मतलब मैंने बोला कि, बीच में जाके मैंने बोला कि यार आप सीधे तमीज़ से बात कीजिए, मतलब आप हाथ वात क्यों टच कर रहे हैं, मतलब। तो उतने में फिर चिल्ला चोट गाली गलौज होने लग गई। उसके बाद तो आई थिंक फिर वीडियो में आपको दिखेगा कि क्या बोलते हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से, फिर 3-4 बंदे आ गए, उन्होंने पूरा मारा है। और उनकी वाइफ ने, जो भी है, उनकी मदर है, उनकी वाइफ है, उनकी डॉटर है, सिस्टर है, मुझे नहीं मालूम, 3 लेडीज थी, उन्होंने इनको
और मेरी वाइफ को मारा है। और बच्ची आई थिंक जब वहाँ खड़ी हुई थी कोने में और भीड़ बहुत हो गई थी तो ये बच्ची भी दब रही थी उधर, मतलब लाइक, तो फिर स्टाफ लोग ले गए उधर से इसको, बच्ची को उठा के, कि बच्ची को लग नहीं जाए। तो C21 का मल्हार मेगा मॉल का स्टाफ है, वो गेम जोन वाला, वो स्टाफ बच्ची को हटा के ले गए और इन्होंने 2-3 जगह पे आके मुझे मारा है, जो कि वीडियो में दिख रहा है, मतलब लाइक। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के मल्हार मॉल में रविवार को गेम जोन में गेम खेलने की बात पर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि शालीमार टाउनशिप में रहने वाले दंपत्ति के साथ पुलिसकर्मी और उसके साथियों ने मारपीट शुरू कर दी। वहां खड़े बाउंसर्स ने बीच बचाव कर उन्हें बचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।